मुकेश अंबानी के घर एंटालिया के बाहर मिले संदिग्ध स्कॉर्पियो की रहस्यमयी गुत्थी सुलझ गई है। मुंबई में कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले पर एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे सचिन वाझे का ही हाथ है और उन्होंने अपनी खोई इज्जत पाने की खातिर सब किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ही मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम कांड के पीछे थे, जिन्होंने एक पुलिस अधिकारी के तौर पर खुद की काबिलियत दिखाने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व प्रमुख सचिन वाझे शुरू में इस मामले के जांचकर्ता थे, लेकिन 8 मार्च को ये केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया और 13 मार्च को सचिन वाझे की गिरफ्तारी हुई। एनआईए के मुताबिक सचिन वाझे 25 फरवरी को खुद स्कॉर्पियो कार चला रहे थे और एक इनोवा जो मुंबई पुलिस की थी उनके पीछे थी। अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो को पार्क करने के बाद सचिन वाझे इनोवा में बैठ गए और वहां से निकल गए। हालांकि अधिकारियों ने इस बात की डिटेल नहीं दी कि आखिर वे इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे। मुंबई में घंटों छापेमारी और कई सबूत हाथ लगने के बाद एंटीलिया केस में जांचकर्ताओं ने आतंकी एंगल को खारिज कर दिया। एनआईए ने कहा कि हमने एक मर्सिडीज को जब्त किया है और जांच के दौरान ये पता चला कि कार का इस्तेमाल सचिन वाझे द्वारा किया गया था। हालांकि मालिक की पहचान अभी तक नहीं की गई है। काले रंग की मर्सिडीज बेंज कार को जब्त कर लिया गया है। इसमें स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट, 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी, एक नोट गिनने की मशीन और कुछ कपड़े बरामद हुए हैं। सचिन वाझे इस कार को चलाते थे, लेकिन ये किसकी है इसकी जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस गाड़ी को मनसुख हिरेन ने 17 फरवरी को इस्तेमाल किया था। एनआईए की टीम को सचिन वाझे की दफ्तर की तलाशी के दौरान वहां से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। साथ ही केरोसिन और डीजल से भरे कुछ कंटेनर्स को भी बरामद किया गया है, जिसे लेकर एजेंसी का मानना है कि स्कॉर्पियो चालक द्वारा पहने गए पीपीई किट कपड़े को जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि अंबानी के घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज में पीपीई किट में ड्राइवर दिखा था। कौन सी खोई इज्जत पाना चाहते हैं वाझे? 49 साल के वाझे महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले हैं और वो 1990 में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती हुए थे। सबसे पहले उनकी पोस्टिंग नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में हुई थी और फिर ठाणे में तैनाती हुई। मुंबई पुलिस में आने के बाद वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर हुए। वाझे ने अंडरवर्ल्ड के कई गैंगस्टर के एनकाउंटर में हिस्सा लिया। सचिन वाझे कभी दया नाइक और प्रदीप शर्मा जैसे अधिकारियों के साथ एक प्रसिद्ध एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। बताया जाता है कि उन्होंने 5 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को इन मुठभेड़ों में मार गिराया। वाझे टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी रखते हैं और उन्होंने कई बार साइबर क्राइम और आपराधिक केसों को भी सुलझाया था। हालांकि ख्वाजा यूनिस की कथित हिरासत में मौत के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। साल 2004 में हुई इस कस्टोडियल डेथ के मामले में वो बीते 16 सालों से सस्पेंड थे और साल 2020 में उद्धव सरकार ने उन्हें बहाल किया था। माना जा रहा है कि उसने मुंबई पुलिस की नजर में हीरो बनने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया था। एनआईए के मुताबिक सचिन वाझे मुंबई पुलिस के सामने ये साबित करना चाहते थे कि वो अभी भी एक बम की साजिश को हल करने के रूप में काफी अच्छे हैं। इसलिए उन्होंने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लगाने के लिए इस पूरे प्रकरण की योजना बनाई। वो फिर से लाइमलाइट में आना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच यूनिट में उन्हें स्कॉर्पियो मामले का जांच अधिकारी बनाया गया और 4 दिनों के दौरान उन्होंने जांच को संभाला और जो गलतियां उनसे 25 फरवरी को हुई थी उसे ढकने की पूरी कोशिश की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के सबूत मिटाने भी शामिल थे। वाझे ने शायद कभी नहीं सोचा था कि इस मामले की जांच एनआईए को मिल जाएगी और वो अपनी खोई हुई इज्जत को हासिल करने की उनकी योजना विफल हो जाएगी। सचिन वाझे की ओर शक की सुई उस वक्त गई जब मनसुख हिरेन की मौत हुई। हिरेन ने पुलिस को बताया था कि उसके घर से स्कॉर्पियो चोरी हो गई है। वाझे की यूनिट ने भी हिरेन से पूछताछ की थी।